अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ फाइव नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी एक्या वेदिका की जानिब से इस कोविड-19 में जो लोग परेशान हाल है, आए दिन उनकी मदद की जा रही है। और आज चार मीनार के पास जीएचएमसी के अमले और वहां के रहने वाले मुस्तहिकीन को फ्रूट तकसीम किए गए। इस सोसाइटी ने लॉकडाउन में अब तक कई लोगों तक मदद पहुँचाई। खवातीन में साड़ी और मास्क भी तकसीम किए गए और आगे भी ये सोसाइटी इसी तरह काम करेगी। इस कमेटी में शामिल है शिवा अन्ना, ए आकाश, ख्वाजा पाशा, इमरान अहमद, अफजल और प्रभाकर। इन सभी ने मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फाइव नेटवर्क। हम सलाम करते हैं और ये एक यूनिटी का एक बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल है जो एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज को एकजुट करने के लिए इसके प्रेसिडेंट शिवा भाई ने एक बीड़ा उठाया है। इनके जज्बे को और इनकी टीम की खिदमात को जो है मैं सलाम करता हूं। इनके और भी इनके ऐसे वर्क, ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है इस कोविड-19 लॉकडाउन में भी जो है ऐसे काफ़ी सारे खिदमात जो है शिवा भाई और उनकी टीम की जानिब से अमल में आए हैं। और मैं दुआ करता हूं कि इनकी पूरी टीम और शिवा भाई के इनके कॉन्फिडेंट को और भी ये लोग आगे जाए और तमाम हमारे यूथ और यंग जनरेशन जो घर पर बैठे हुए हैं इस कोविड-19 लॉकडाउन में ऐसे एनजीओस एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी ऐक्या वेदिका ये जो एनजीओ है ये सबको एकजुट करने के लिए बनाया गया है। तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि इस एनजीओ से जुड़े और इनके जो मकसद है वो मकसद में जो है आप भी अपना छोटा सा कीमती वक्त देकर जो है इनको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आज प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे देश को जो है नौजवानों की बहुत ज़रूरत है, नौजवान जो है हमारे देश का भविष्य है, ये नौजवान अगर अब अगर नहीं जाएगा तो आगे आने वाला वक्त बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जहां पर एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर इस सिचुएशन में शिवा भाई और उनकी टीम ने जो है एक बीड़ा उठाया है कि एक दूसरे को जुड़ाकर एक यूनिटी और एक एग्जाम्पल पेश करने का एक एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसे में जो है हम सबका फर्ज बनता है कि हम ऐसे एनजीओ से जुड़ें ताकि जो है और भी सोसाइटी डेवलपमेंट के कामों को जो है हम बढ़ चढ़कर आगे जाकर जो है इनको डेवलप कर सकें। और ऐसे एनजीओ जितने भी एनजीओ इस कोविड-19 में काम किए हैं उसमें एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी ऐक्या वेदिका का जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। फ्रॉम कोविड-19 स्टार्टिंग से लेके अब तक जो है पब्लिक सर्विस में जो है अपनी जान की फिक्र ना करते हुए चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या चार मीनार हो, जो भी ऐसे गरीब आवाम जहां पर भी दिखती है ये जो ऐक्या वेदिका ये जो फाउंडेशन है पब्लिक सर्विस में जो है सबसे आगे रहता है। और इनके जज्बे को और इनके ये कॉन्फिडेंट को मैं सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम नौजवान जो है इस एनजीओ से जुड़ेंगे और आगे चलकर इसे जो है और डेवलप करेंगे ताकि अगर ऐसे एनजीओ से जुड़कर अगर आप काम करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा, आपको एक अच्छा सा एक फील होगा, आपको भी एक जज्बा पैदा होगा कि एक दूसरे से मिलकर कैसे रह सके। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।